स्वागत है, स्वागत है आप सबका, स्वागत है वीकली लाइव चैट में। वेलकम वेलकम काओ काओ काहो काओ काओ कौआ करता ना, कौआ बोले काओ काओ कहाँ हो कहाँ हो, मतलब क्या क्या सोचना पड़ता है यार, अपने आप आता है। हेलो हाय आया है मुझे सबसे पहले यश नाई का, हाय यश नाई, हेलो मार्गी जानी, हाय आकाश गुप्ता, हेलो नील पटेल 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 आ जाओ यार लाइव आ जाओ अब जल्दी से यार, अब वेट नहीं होता यार। क्या कल तो लाइव अपन आ नहीं पाए बताओ, साथ में अभी आ गए, कल का दिन नहीं हो पाया। हाय पाप्या वैद्य, मार्गी पूछ रही कैसे हो, मैं एकदम बढ़िया, शानदार शानदार। हेलो हेलो सब आ जाओ धीरे धीरे लाइव, धीरे धीरे नहीं जल्दी भी आ सकते हो, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, इट्स लाइक फाइन। दीपांकर हल्दार, हेलो ब्रो, हेलो दीपांकर, हेलो दर्शन, दर्शन भाई, दर्शन कलाल मैं बढ़िया हूँ दर्शन, तू कैसा है भाई। शीला शर्मा गिरी, हाय हाय शीला, हेलो स्वीटी दुबे, आई लव यू टू यार स्वीटी दुबे। हेलो सलोनी मनुजा, हाय शेखर धाकड़, मैं अभी पता कौन सा गाना सुन रहा था, सिटी ऑफ स्टार्स आर यू शाइनिंग जस्ट फॉर मी, वही ना लाला ला 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 लाला लैंड का गाना है, सिटी ऑफ स्टार्स आर यू शाइनिंग जस्ट फॉर मी, शानदार, मुझे बहुत पसंद है। और मुझे कमेंट आया है अभी किसी का, सुनैना सुजैनी, हे मोहित आई होप यू रिमेम्बर मी, आई एम फ्रॉम भुवनेश्वर, बिल्कुल सुनैना, सुनैना मुझे मिली थी साई इंटरनेशनल स्कूल के मेरे शो पे, कैसी है सुनैना तू। अरे यार वर्षा आडवाणी कह रही है योर स्माइल इज द क्यूटेस्ट थिंग, थैंक यू यार वर्षा, थैंक यू वर्षा। और आयुष मल्होत्रा कह रहे सीडी ऑफ स्टार्स में टोलो टोलो, हाँ यार मतलब क्या बोल रहा हूँ समझा नहीं। मोहिनी दत्ता कह रहे कैसे हो, मैं एकदम बढ़िया हूँ मोहिनी, शानदार शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। मन्नत सरन कह रहे कैसे हो, एकदम शानदार हूँ मन्नत, तू कैसी है। रिशा वंसाली कह रहे होय 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 होय, मार्गी कह रही है आपने नज्म नज्म सुना है, हाँ मैं नज्म नज्म सा तेरे ना 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 ना, ऐसे करके मेरे को एग्जैक्ट लिरिक्स नहीं पता, इसलिए मैं गाने की कोशिश भी नहीं करूंगा, नहीं नहीं अभी कर दी मैंने फील में आकर के, मैं अभी बहुत फील में हूँ, बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि मैं अभी लाइव चैट स्टार्ट करने से पहले ना बहुत देर से बस गा ही रहा था, कुछ भी गा रहा था, मेरे फेवरेट सॉन्ग्स गा रहा था, जैसे रहना तू जो है ना रहमान सर का, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। थोड़ा सा रेशम तो हमदम, थोड़ा सा खुरदुरा, कभी तू अड़ जाए या लड़ जाए, या खुशबू से भरा तुझे बदलना न चाहूं, रत्ती भर भी सनम बिना सजावट मिलावट, न ज्यादा ना ही कम तुझे चाहूं जैसा है तू। इसके लिरिक्स जब मैंने सुने थे ना, तब मेरे को प्रसून जोशी सर से प्यार हो गया था, मतलब कि उन्होंने इतने खूबसूरत लिरिक्स लिखे थे यार, कि मतलब क्या है यार, थोड़ा सा रेशम तू हमदम, थोड़ा सा खुरदुरा, कभी तू अड़ जाए या लड़ जाए, या खुशबू से भरा तुझे बदलना ना चाहूं, रत्ती भर भी सनम तुझे चाहूं जैसा है तू, परफेक्ट, मतलब क्या कहूं यार, मेरे को मेरे बहुत बहुत फेवरेट गानों में से एक है। और अकीदत हयात करें लुकिंग स्मार्टी, थैंक यू यार हयात, थैंक यू हयात यार, नाम है आपका बहुत बहुत खूबसूरत नाम है। प्रकाश परमार कह रहे हेलो मोहित सार, हेलो जी हेलो। दिव्या आराधना काजोल कह रही है आप मैसेजेस नहीं देख रहे हो क्यों, हाँ शायद एक या एक बार एक एक स्लैश फाइव महीने के बाद मिल रहे हैं, बात कीजिए ना, तो अभी अभी कर देना बात,
ऋषिता मोहापात्र कह रहे थिंकिंग अबाउट कमिंग बैक टू साई इंटरनेशनल स्कूल. थिंकिंग मतलब कौन, मैं, आप मेरे लिए पूछ रहे हो कि मैं सोच रहा हूँ क्या? बिल्कुल यार, क्या मतलब, मेरे को तो बहुत प्यारी यादें हैं साई इंटरनेशनल स्कूल से. वहाँ बहुत सारे मेरे दोस्त बने थे, बहुत सारे. और मतलब उसके उसकी परफॉर्मेंस की अलग ही थी. मतलब मैं ना उस दिन पता क्या हुआ था, साई इंटरनेशनल स्कूल में परफॉर्मेंस करने गया था. भुवनेश्वर में है वो, बहुत अमेजिंग स्कूल है. और मतलब हुआ क्या था, उसमें मेरा जो बैग था ना, जो मेरा लगेज बैग था, वो गलती से किसी और फ्लाइट में मतलब चला गया, मतलब कहीं तो भी मिसप्लेस हो गया. तो मेरे पास ड्रेस नहीं थी पहनने के लिए. और तो मैंने क्या किया, मैंने अब स्कूल में आया. और मेरा ना उस दिन प्लान भी था, मतलब उस दिन के अराउंड मेरा प्लान भी था कि मैं किसी कोई इवेंट करूं कॉलेज का या स्कूल का, और मैं उन्हीं की यूनिफॉर्म या उन्हीं की मतलब जो ड्रेस होती है ना, वही पहनकर स्टेज पर परफॉर्म करूं. और ये आइडिया मेरे को एक दो हफ्ते पहले ही आया था. और बताओ, मेरे साथ ऐसा हादसा हो गया कि मेरा लगेज ही घूम गया था. तो मैंने वहां पर ऐसा कहा कि यार, मेरे को तो तुम्हारी स्कूल की यूनिफॉर्म दे दो, या जो भी उस दिन वो उस इवेंट में सारे स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे वो पहन रहे थे. तो मैंने वही ड्रेस पहन के, वही शर्ट पहन के परफॉर्म किया. बताओ, कपड़े भी मिल गए और मतलब मेरी इच्छा भी पूरी हो गई स्कूल की यूनिफॉर्म पहन कर परफॉर्म करने की. तो भाई ऐसे हो जाता है, मतलब शानदार. मन्नत सरान कह रही है, चंडीगढ़ कब आ रहे हो? यार चंडीगढ़, यार मैं बता आज तक नहीं आया यार, मेरे को आना है, बहुत इच्छा है मेरी आने की. लेट्स होप जल्दी आऊँगा, जल्दी आएंगे. पाप्या कह रही है, प्लीज सिंह आज जाने की जिद ना करो. ऐसा लास्ट में गाऊं, आज जाने की जिद ना करो हैं. प्रिया बजाज कह रही है, एवरी टाइम आई फॉल इन लव विद योर वॉइस एंड स्माइल. थैंक यू यार प्रिया, थैंक यू यार. मनीष गुर्जर कह रहे हैं, कहाँ हूँ मुंबई, कहाँ हूँ मुंबई, बिल्कुल मुंबई में है. और आर डी गजानंद यादव भाई कह रहे हैं, मोहित यू लुकिंग क्यूट ब्रो. थैंक यू यार भाई, थैंक यू. दीपू राउत कह रहे हैं, हेलो प्लीज रिप्लाई मी. हाय दीपा राउत. नेहा दुबे कह रहे हैं, आपके लिए एक सरप्राइज भी है, पर आप एक बार ध्यान तो दो. क्या सरप्राइज है नेहा, बताओ. चित्रांश कह रहा, दाल बाटी खा रहा हूँ, आ जाओ खानी है तो. अरे जाना यार साले, ये ऐसे जलाते हैं लोग, बताओ. दाल बाटी के सबसे बड़ा फैन हूँ मैं दुनिया का, और मुझे मतलब ऐसा जला रहा है. जा तू खा ले यार, जाओ जैन साहब आप खाइए, आप जाके आप खाइए चित्रांश जी, हमको मत जलाइए आप, ठीक है ना. क्या वो बेकरार करके हमको यूं ना जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए. ऐसा करके वो गाना ना बड़ा प्यारा सा, शानदार शानदार. तो अभी तान्या गिरी कह रही है, एक बार रात बाकी सॉन्ग सुना दो. रात बाकी कौन सा सॉन्ग है यार, मुझे रात बाकी नहीं आता, कोई और बताओ, शायद मेरे को वो आता हो. उज्जवल कह रहे हैं, यू आर एंड मी स्माइल सेम यार. मतलब वो कह रहे हैं मेरी और उनकी स्माइल सेम है, क्या बात है यार. स्माइल तो मेरे ऐसा लगता है सबकी सेम ही होती है यार, हंसते सभी एक जैसे लगते हैं, अजीब से प्यारे से, मतलब हैप्पी हैप्पी लगते हैं. बताओ क्या नई बात कही, हंसते हुए लोग हैप्पी लगते हैं. सो इंटेलिजेंट मोहित, आई एम प्राउड ऑफ यू. लवकुश नंदू गुप्ता, लवकुश नंदू गुप्ता कह रहे हैं, मेरे से बात करो ना भैया. बिल्कुल लवकुश, आपसे भी बात कर रहे हैं ब्रो, सबसे बात कर रहे हैं अपन. अच्छा मेरा तो बहुत सारी हो गया यार, अब बताओ तुम सब कैसे हो, कैसे हो, क्या चल गया रहा है तुम्हारी लाइफ में, सब बता दो एकदम. ऐसे जैसे लंबी सांस लेकर वो एक डायलॉग बोलते हैं ना कई सारे मूवीज में, तो वैसे ही मतलब तुम एक ही सांस में, लंबी सांस में कट 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 टाइप कर मुझे बता दो कैसे हो, क्या चल रहा है. मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ना चाहता हूँ. अब कमेंट्स पढ़कर ही तो पता चलेगा ना, पता चलेगा ना. हाँ क्या बोल रहा हूँ मैं भी, स्लिप्स ऑफ टंग्स मैन वेरी मच. बेकरार करके हमको यूं ना जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए. किसी का सपना लगे तू, किसी को बहती हवा, किसी के सौ झूठ सुन ले, किसी का सच भी गुना, किसी की बस यादों में करे हलचल सारा जहां. थीम नहीं थीम, तू छाँव है तू धूप है, थी अम
नहीं थी हम तेरे हजारों रूप है कोई समझा नहीं जो भी है बस खूब है। ऐसी आज मेरी बहुत बहुत ही ज्यादा इच्छा करी मेरी गाना गाने गाते रहने की आज तो। हाँ मैं सॉरी तुम्हारे कमेंट पढ़ना भूल गया। तो मलिक कह रही मेरे पापा जी का आज बर्थडे है प्लीज उन्हें विश कर दो आई मिस हिम। हैप्पी बर्थडे मलिक नेहू आपके डैड को मेरी तरफ से। अनब भंड कह रहे हैं मोहित भाई लुकिंग स्टड ब्रदर कैन यू प्लीज सिंग माय फेवरेट एक लड़की भीगी भागी सी। एक लड़की भीगी भागी सी सो ही रातों में जागी सी मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है। चलो आज मैं ये करता हूँ आज ना आज तुम सबके कमेंट्स मतलब तो पढ़ सकते हैं। आज मेरी गाना गाने की बड़ी इच्छा करी है तो तुम है ना कमेंट में एक कोई सा भी सॉन्ग बोलो और मुझे वो आता होगा तो मैं गाऊंगा तुम्हारे लिए ठीक है। अब ऐसा तो मुश्किल है थोड़ा कि सबके मैं गाने गा पाऊँ लेकिन जितने भी हो सके जो भी कमेंट मुझे दिखेगा और जिसका भी गाना मुझे आता होगा मैं जरूर गाऊंगा। ऐसा करें क्या क्या बोलते हो ऐसा करें कुछ इंटरेस्टिंग सा। अरे हाँ एक और शानदार सी बात तो बताने भूलिए इस बीच में कि अपने इंस्टाग्राम पे 100K फॉलोअर्स हो गए हैं मतलब अपन 100K हो गए हैं भाई सॉरी 100K फॉलोअर्स हो गए अपने इंस्टाग्राम पे। तो अगर तुम इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी मुझे फॉलो करते हो तो बढ़िया है नहीं करते हो तो कर लो मतलब ऐसा सीन है मतलब क्या हो गया। चलो यार हो गया यार ये बात तो हो गई। हाँ अब अपन ये करते हैं ठीक है। तो तुम मुझे गाना बताओ कोई सा भी मेरी आज बहुत अच्छा करे गाने के लिए तो मैं तुम्हारे लिए वो गाना गाऊंगा। तानिया के लिए रात बाकी बात बाकी सॉन्ग गा दो मेरे लिए। रात बाकी बात बाकी होना है जो हो जाने दो देखो ना सोचो तो जाने जा मुझे प्यार से। मुझे आता नहीं आ रहा इतना ज्यादा गाना इसलिए सॉरी लेकिन कोई और सा कोई भी बता दो गाना। चित्रांश कह रहे हैं हवाएं सॉन्ग गा दो। हवाएं कौन सा नील पटेल अगर तुम साथ हो पल भर ठहर जाओ दिल ये संभल जाए कैसे तुम्हें रोका करूं बिन बोले बाते तुमसे करूं अगर तुम साथ साथ हो कि तेरी नजरों में है मेरे सपने तेरे सपनों में नाराजी मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है अगर तुम साथ हो। अरे यार अभी एकदम से मजा आ रहा है चक चक धीरे धीरे और फिल्म आएंगे अपन। बताओ ना कौन सा गाना अगर तुम साथ हो तो हो गया है नील पटेल ऑलरेडी। शीला शर्मा कह रही है माना कि हम यार नहीं माना कि यार हम यार नहीं मुझे पूरा नहीं आता। पापे कह रही है बंगाली सॉन्ग कौन सा ए वृष्टि वे जा राते। ये मेरे ना मेरे बहुत प्यारे दोस्त है मेरे कॉलेज के सहेली गुप्ता और मृगांक मंडल तो वो दोनों ना मैं पहली बार उनसे मिला था एमिटी में और मेरे मतलब मेरी क्लासमेट ही थे वो तो मृगांक ने और सहेली ने मुझे सॉन्ग के बारे में बताया था स्पेशली मृगांक ने कि ये सॉन्ग और उसने मुझे बकायदा पूरा सिखाया था ये सॉन्ग वर्ड टू वर्ड। मुझे आज भी इसका कंप्लीट मतलब नहीं पता लेकिन ये सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है तुम सबको भी बहुत पसंद आएगा भले ही तुम्हें शायद बंगाली लैंग्वेज आती नहीं हो समझ में नहीं आती हो या शायद आती भी हो लेकिन ये सॉन्ग बहुत पसंद आएगा इसकी मतलब धुन ही और इसका मतलब बड़ा प्यारा सा फील है इसकी। तो मृगांक और सहेली अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो भाई तुम दोनों को बहुत बहुत थैंक यू यार तुमने ये गाना मुझे बताया उसके लिए। कैसा था ये ए वृष्टि वे जा राते तुम्ही नहीं बोले शोम भोए फाक मतलब सॉरी यार मैं भूल गया गाना शिट।
शोम्बोयामर। 7 साल हो गए यार इस बात को। 7 साल पहले मैं मतलब कॉलेज के उस फर्स्ट ईयर में था जब उन्होंने पहली बार मुझे गाना सुनाया था। शोम्बोयामर कटे ना रात के नो आलो दाए ना पखी के नो गान गाए ना तार के नो पोत दिखाए ना तुम केरी अर्चे अशोना ए वृष्टि वे जा राते तुम ही नहीं बोले शोम्बोय आमर कटे ना। ऐसे करके था ये। सॉरी यार पापिया मेरे को बंगाली मतलब आती नहीं है लेकिन मतलब मुझे जितना याद है ना उन 7 सालों पहले का ये गाना तो मैंने तेले गा दिया मतलब ये तो। हाँ तो ये अगर जैसा भी लगा हो ये सारा का सारा क्रेडिट और गालियाँ जानी चाहिए मृगांग को जिसने मुझे अच्छे से नहीं मतलब अच्छे से उसने सिखाया होता ना तो आज भी मुझे याद होता मृगांग की तेरी गलती है। तो मलिक नेहू कह रही है मांगी दुआ गा दो। मांगी दुआ जैसे साथ तेरा वो चलना मेरे दिल का यूं ही धड़कना आंखों से मुझसे कहना मुस्कुरा के बातें करना और बातों में मेरा वो तुझसे कहना मैंने मांगी दुआ तेरे लिए मैंने मांगी दुआ तेरे लिए मैंने मांगी दुआ तेरे लिए। अब टाइम है मेरे जाने का तो जाने से पहले मेरी जाने मनु कहते हैं आई लव यू कहते हैं आई लव यू। तो अभी मेरे जाने का टाइम हो गया है पर जाने से पहले बहुत ही ज़्यादा दिल से आई लव यू ऑल थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग इन माई लाइफ एंड प्लीज़ हर संडे आते रहो करो। हर संडे नहीं तो मैं जिस भी वीक हर वीक आऊँगा लाइव कोशिश करूँगा 9 PM पर आने की। संडे को होता है अपना लाइव चैट नहीं हो किसी दिन तो हो सकता है मैं या तो नेक्स्ट वीक करूँ या उसके नेक्स्ट डे ही कर दूँ। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड बहुत सारी मस्त मस्त खबरें आने वाली तुम सबके पास में बहुत सारे नए नए सॉन्ग्स आने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड कीप लविंग सिर्फ मुझे नहीं सबको प्यार करो जितना हो सकता उतना प्यार करो ठीक है। चलो बाय मेरी जाने वालों आई लव यू ऑलवेज एंड फॉरएवर दोस्तों तुम्हारा हमेशा के लिए समझे। बाय बाय बाय।